This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioned at Shalibanda, Hyderabad. No dowry, no suicide, and boycott lavish marriages. Pledge taken at Tandban, organized by social activities. Khalida Parveen, reported by Mohammed Shaukat. My Khalida Parveen, social activist from Hyderabad. आज 4th मार्च को यहाँ पर टैंक बंड पर हम साइलेंटली नो टू सुसाइड नो टू डॉरी कैंपेन हम स्टार्ट किए हैं। ये इसको हम कैंपेन इसलिए बता रहे हैं कि आज हमारा स्टार्टिंग डे है कि सुसाइड का वाकयात हम बहुत देख रहे हैं, चाहे वो डॉरी के नाम से हो या सेक्सुअल हरासमेंट हो या मेंटल हरासमेंट हो। सुसाइड इज़ नॉट ए सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। तो हम कहते हैं कि नो टू डॉरी नो टू सुसाइड के नाम से हम लोग आज ये जमा हुए हैं कि डॉरी का जो लेन देन ख़त्म हुए तक हम लोग हमारा अलीम खान फलकी साहब के जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे। पूरे हैदराबाद में इसका हमारा आगाज़ हो चुका है, अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और इसको रोकने के लिए पूरा हमारा वसाइल को हम इस्तेमाल करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे। आपके ज़रिए मैं यूथ को एक पैगाम देना चाह रही हूँ, आप मर्द बच्चे आप लोग डाउरी नहीं लूँगा बोल के अगर आप अहद करें तो सिस्टम ख़त्म हो जाएगी। लड़कियाँ बोलेंगी शादी में जहेज दे रहे तो मैं शादी नहीं करूँगी, तो यह यूथ लड़कियाँ और लड़के ही इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। आप सबसे अपील है कि आप लोग इस तरह का एक डिसीशन लेके यहाँ से जाए। अभी थोड़ी देर में हम लोग प्लेज भी करेंगे यहाँ पर। ये जो लैविश मैरिजेस हो रहे हैं आजकल हैदराबाद में ट्रेंड बन चुका है और जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह सब जा रहे हैं उस पर ट्रेंड करें, उस बारे में क्या बोलेंगे आप? कि बिल्कुल लैविश मैरिजेस है ही नहीं है, स्पेशली इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल आसानी का है। उसके लिए दहेज का एक बड़ा सा एक शैतान सर पर चढ़ा सवार कर लिए, ये अपने करतों से अपने हाथ से एक कल्चर के नाम से अडॉप्ट कर रहे हैं। ये कल्चर वल्चर कुछ भी नहीं है, ये हरासमेंट है सीधा सीधा। इस कल्चर को अगर कल्चर समझते हैं तो कल्चर भी ख़त्म होना चाहिए। आसान निकाह जिना मुश्किल होना चाहिए, निकाह आसान होना चाहिए, यहाँ पर उल्टा हो रहा और हरासमेंट हो रही। हम इसके खिलाफ सख्त पूरा मोबिलाइजेशन करेंगे, पब्लिक के अंदर मूवमेंट लाएंगे, यूथ को अवेयरनेस करेंगे, यूथ को इससे रोकने की कोशिश करेंगे। सुसाइड्स पे आप क्या बोलेंगे? बहुत सारे केसेज इजाफा होते जा रहे हैं हैदराबाद में इसी ताल्लुक से, उस बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, ये सुसाइड का जो ट्रेंड बनने का एक नज़र आ रहा हमारे सामने, सुसाइड किसी मसले का हल नहीं है। इंसान जिंदा रहकर फेस प्रॉब्लम को फेस करके उसको एड्रेस करना है, ख़त्म करना है और दूसरों को रास्ता दिखाना है। सुसाइड करने से कोई मसला हल नहीं होता, इसलिए मैं यूथ को, लड़कियों को, लड़कों को, इमोशंस को रोककर स्ट्रेंथन हो जाओ। अपने उनके फैमिलीज को बता दियो, आप फैमिली वाले अपने बच्चों को स्ट्रेंथ दो, आप बताओ कि आपके पीछे हम हैं, मसले हम हल करेंगे। और सोसाइटी में रहने वाले हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट, उनको पुश्तपना होना चाहिए, उनको मायूसी की शिकार नहीं होना चाहिए, ये काम करने की जरूरत है। आज हम नो डोरी कैंपेन लेके टैंक बॉन्ड पर जमा हैं खालिदा परवीन मैडम की सरपरस्ती में। एक आयशा जो सुसाइड करी है, किन हालात में करी हमको नहीं पता, लेकिन अब वो तो गुजर गई, वापस नहीं आ सकती। लेकिन ऐसी हज़ारों लाखों आयशाएँ हैं, पार्वती हैं, लक्ष्मी हैं, मैरी हैं, जो जिंदा हैं लेकिन जिंदा लाश की तरह फिर रही हैं। सुबह सास गाली देती है उनको, दोपहर में ननंद गाली देती है, शाम में शौहर मारता है। हमको इनकी ज़िंदगियों को बचाने का है और उसका एक ही तरीक़ा है, वो तरीक़ा ये है कि इस डाउरी को बंद करो। अगर ये किसी धर्म में है, ये मज़हब में है, जिसमें भी है, उसकी गलत टीचिंग्स है। इस डाउरी की वजह से लाखों लड़कियां आज बर्बाद हो रही हैं। हम ये अवेकनिंग लोगों के अंदर पहुंचाना चाहते हैं, दैट्स ऑल। अहद करता हूँ मेरी अपनी अपनी औलाद की शादी में ना कोई जहेज होगा, ना लड़की वालों की तरफ से खाना, मेरी तरफ से हर शादी का बॉयकॉट होगा, जिस शादी में गैर इस्लामी और खिलाफ सुन्नत तकरीबात होंगे, जैसे साचक जुमा की मौसीकी, नाच गाने और पटाखे वगैरह, मैं किसी ऐसे शादी के दावतनामे को
हर चीज कबूल नहीं करूंगा, हर चीज कबूल नहीं करूंगा, जिसमें जहेज होगा या जोड़े की रकम होगी या शादी के दिन या मंगनी के दिन लड़की वालों से खाना लिया जाएगा या किसी भी किस्म की फजूल खर्ची होगी इंशाअल्लाह। अमूमत सोसाइटी जिंदाबाद।